श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि इमोशनल अब्यूज क्या होता है और इमोशनल अब्यूज के शिकार तो नहीं है कहीं आप। देखिए, शारीरिक रूप से किसी को टॉर्चर करने का ही एक रूप इमोशनल टॉर्चर है, यानी कि भावनात्मक तौर पर टॉर्चर करना। ये एक ऐसा टॉर्चर है जिसे इंसान धीरे 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 करके टूट जाता है, जिसे संभालना मुश्किल हो जाता है। आज के समय में हम इतने बिजी हो गए हैं कि इस टॉर्चर के अगर हम शिकार भी होते हैं तो सोच लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब होता रहता है। लेकिन यही समस्या आगे चलकर बड़ी रूप ले लेती है, जो कि आपकी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर सकता है। कई बार होता है कि हमारे लव लाइफ में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर हम सोचते हैं कि सभी की लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है, हमारी प्रॉब्लम कोई अनोखी नहीं है। तो हम आपको बता दें कि बेकार से दिखने वाली प्रॉब्लम आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आप भी इमोशनल अब्यूज़ का शिकार हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये है कि नहीं, तो आपको चार ऐसे संकेत बता रहे हैं जिससे आप आसानी से जान जाएंगे कि आपके साथ इमोशनल अत्याचार हुआ है या नहीं। जैसे पहली चीज़ है, हर काम में आपको दोष देना। अगर आपका पार्टनर, मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर आपका पार्टनर हमेशा आपको ही हर बात के लिए आरोप लगाता हो या लगाती हो कि तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम्हारे कारण हुआ, वो तुम्हारे काम के लिए बाहर गया हो लेकिन किसी कारण उसका एक्सीडेंट हो जाए, फिर चाहे इसमें उसी की गलती क्यों ना हो लेकिन आपको ब्लेम करें कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, तो समझ लें कि वो आपको टॉर्चर कर रहा है, टॉर्चर कर रही है। फिर हतोत्साहित करने वाली बात है, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं लेकिन आपका पार्टनर कुछ ऐसा बोल दे कि आपको विश्वास डगमगा जाए, आज उससे कभी भी सपोर्ट नहीं पा सकते। जब भी कोशिश करते हो तो आपको आपकी कमियां गिना दी जाती है, जिसके कारण आपको अपने पार्टनर से कुछ भी शेयर करने से बचते हैं तो समझ लें कि गलत है। फिर हमेशा आलोचना करना, अगर आपको पार्टनर आपके व्यवहार, बड़े वजन या किसी और कारण आपकी हमेशा कमियां गिनाता है तो समझ लें कि वो आपकी कमियों को ध्यान देता है। फिर हर समय झगड़े करना, झगड़ा तो हर कपल के बीच होता है और ये बड़ी सामान्य सी बात है क्योंकि इससे रिश्ता हेल्दी भी बनता है। लेकिन अगर आपके पार्टनर झगड़े को खत्म करके माहौल सामान्य बनाने की कोशिश नहीं करते या नहीं करती है और आपकी कोशिश करने पर फिर झगड़ा शुरू कर दे तो समझ ले कि वो आपको टॉर्चर कर रहे हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।